तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। मैं हूँ एसके और आप लोग देख रहे हो एसएस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाने सिखाने वाला हूँ TSG लेजेंड और TSG 1 जैसा थंबनेल, और वो भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। आपके फ़ोन में आप लोग कैसे TSG लेजेंड और TSG 1 जैसा थंबनेल बना सकते हो, आज की वीडियो उसी पर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है अपना PSCC एप्लीकेशन ओपन। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए। अगर आप लोगों को मेरी लिंक ओपन करनी नहीं आती, आपसे लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो हाउ टू ओपन माय लिंक्स करके भी एक दिए वीडियो, तो वो देख लेना, उसके बाद आपसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोग को प्लस वाला आइकन, तो इस पर क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा ऐसा कुछ, और 1920x1080। कुछ लोगों के में PSCC कुछ अच्छे से काम नहीं करता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो भाई उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। उसके बाद आप लोग को यहाँ वाले प्लस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, फिर फोटो लेयर, फिर फोटो लाइब्रेरी पे जाके आप लोग को दो फोटोज़ लेके आने, जो कि मैं अभी लाता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने दो फोटोज़ ला लिए। सबसे पहले तो आप लोग को फ़ोटो की ओपेसिटी जो है कम कर देनी है। क्यों कम करनी है, उसको फुल तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एडजस्ट करने के लिए इसको कम करना है। और यहाँ पर नीचे स्नैप वाला ऑप्शन है, उसको बंद कर देना। क्यों बंद किया वो आप लोग चालू करके चेक कर सकते हो, चालू और बंद करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। ऐसे कुछ कर देना है, और उसके बाद ये वाली फ़ोटो की भी जो ओपेसिटी उसको कम करके आप लोगों को यहाँ से ऐसे इसका जो ब्लैक वाला लेयर दिखता है वो हटाना है हमको, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ ऐसे सेट कर देना है, और दोनों फ़ोटो की जो ओपेसिटी उसको फुल कर देना है, जैसे मैंने अभी कर दिया। और उसके बाद आप लोग को फेड वाले ऑप्शन पर जाना है। फेड यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे, यहाँ पे ये वाले फेड पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को जाके यहाँ पे कर देना है ये वाले आइकन पे क्लिक करके रिवर्स स्पॉट। रिवर्स स्पॉट करने के बाद आप लोग का कुछ ऐसा आ जाएगा, फ़ोटो को जूम करना है, दो उंगलियों से पकड़ के अच्छी तरह से जूम करना है, तभी होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग से तो फ़ोटो भी जूम नहीं होती होगी, कुछ और ही हो जाता होगा। और यहाँ पर भी जो हमारा फ्री फायर है ना, वो दिख रहा है हल्का हल्का, तो यहाँ पर मैं फेड दे देता हूँ। ऐसे कुछ चलेगा, वो दिखेगा तो भी हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद ये फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर देना है ऐसे जैसे किया, और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ऊपर टच, देखो मेरे आप लोग को दिख जाएंगे टच। और उसके बाद कोई भी टिंट इफेक्ट में जाना है आप लोग को, टिंट इफेक्ट, और जो कलर आप लोग को पसंद हो वो टिंट दे देना है। मैंने यहाँ पर ग्रीन दे दिया, तो यहाँ पर ब्लू दूँगा क्योंकि ब्लू सही लगेगा, तो ब्लू कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और उसके बाद देखो, अभी ये मन का थंबनेल हम लोग बनाए, TSG मन भाई का थंबनेल हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे जाना है और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाके ब्राइटनेस को माइनस की ओर लेके जाना है, और कुछ आप लोग को -90 यहाँ पे आप लोग को माइनस लगाना पड़ेगा, पहले माइनस फिर 90 लिखोगे तब वो माइनस की ओर जाएगा। -90 बहुत ही डाउन हो गया, फिर -80 यहाँ पे कर दोगे, और उसके बाद यही वाली फ़ोटो पे आप लोग को आ जाना है फिर से, और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे ये कर देना है। तो ये कुछ आपका ऐसा बन गया, और इसके बाद ये दोनों फ़ोटो को आप लोग मर्ज कर सकते हो। मर्ज डाउन कर दिया मैंने, फिर फ़ोटो लेयर, फ़ोटो लाइब्रेरी पे जाके आप लोगों को कैरेक्टर लेके आने में भी लेके आ जाता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैं कैरेक्टर लेके आ गया, और आप लोग को कैरेक्टर में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो लीवर्स जैसा ऑप्शन दिखता है इस पर जाके आप लोग को सिचुएशन को फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप लोग को ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाना है, ब्राइटनेस को कर देना है 25 एंड कॉन्ट्रास्ट को कर देना है 50, जिससे कि एक बेहतरीन सा लुक आप लोग को मिल जाएगा। ऐसे ही सबके साथ कर देना है। ऐसे करने से होता क्या है, तो ऐसे करने से आप लोग का जो फ़ोटो है थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आ जाता है। और उसके बाद आप लोग को इसको बड़ा कर देना है, मैक्सिमम नहीं करना है, मिनिमम ही रखना है यहाँ पर कुछ ऐसा है इसको। और इसके बाद इस कैरेक्टर को ऐसे ही इसके आगे पीछे जहाँ रखना है रख दो, लेकिन साइज़ बराबर से एडजस्ट करना दोनों की। फिर गाइस, उसके बाद आप लोग को इसको मर्ज कर देना है, ये दो फ़ोटोज़ को और ये दो फ़ोटोज़ को और ये दो फ़ोटोज़ और ये दो फ़ोटोज़ लाइन में है कि नहीं, वैसे लाइन में लगा लेना है, लाइन में है कि नहीं उसको। चले आप लोग को सिंपली ऐसे हाथ से ऐसे करना है, और मेरा जहाँ तक लाइन में ही है, और इतना ध्यान से कोई देखता नहीं है। और इसके बाद आप लोग को नीचे जो एक एम्प्टी लेयर पड़ी होगी उसको ले लेना है, और ये जो आपका बैकग्राउंड था उसके सेलेक्ट पिक्सल्स करके ऊपर वाले में आ जाना है, और स्ट्रोक दे देनी है आप लोग को, स्ट्रोक
यहाँ पे वाइट कलर चूज़ करना है, और विथ में जाके विथ यहाँ पे 4 होगा, आप लोगों को 20 या फिर 25 कर देना है आपके थंबनेल के हिसाब से, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर दो। और यहाँ पे एक बार ड्रॉप शैडो दे दो तो यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक ले आते, जो कि पहले ही बहुत सारे लोगों ने सिखा दिया कैसे बनाते, तो मैं नहीं बताऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक शॉक जो है ले आया है, ये मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया था, और ये काम चला हुआ मैंने बनाया था, परफेक्ट नहीं बनाया था, जल्दी जल्दी बना दिया, जैसा बना वैसा। तो आप लोग को ऐसे डुप्लीकेट करते करते लगा देना है। अगर आप लोग को अगर ये भी बनाना नहीं आता है तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इलेक्ट्रिक शॉक इफेक्ट थंबनेल ऐसे करके सर्च मारोगे तो आप लोग को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, पहली वीडियो ही मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे है सब। और यहाँ पे उसके बाद आप लोग को इस साइड के दो जैसे मर्ज किया था वैसे ही मर्ज कर देना है। यहाँ पे हम लोग नो नोटिफिकेशन ऑन कर देते, यहाँ पे अभी इसमें इसको भी मर्ज कर देते हैं, और टिंट वाले ऑप्शन पे जाना है टिंट, और उसके बाद यहाँ पे दे देंगे ग्रीन वाला टिंट। ग्रीन वाला टिंट एरिया अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, रुको जरा शबर करो। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे ब्लू वाला टिंट। अभी कैरेक्टर्स जो है हमारे इनमें जाएंगे और ग्लो दे देंगे 20 20। यहाँ पे लिखना है आपको, सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और ग्रीन कलर जिस कलर से आपने टेंट दिया था, याद रखना जिस कलर से आपने टेंट इफेक्ट दिया था उसी से आप लोगों को ये भी करना है, तभी आपके कलर जो है मैच होंगे, अदरवाइज़ मैच नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्सेस का लगा लेते हैं। सो गाइज़ उसके बाद आप लोग को ये वाले वर्सेस का जो है PNG मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, तो ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है। आप लोग भी चाहो तो वर्सेस PNG करके गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को मिला तो आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे कुछ सेट कर देना है, और उसके बाद आप लोग को टेक्स्ट यहाँ पे अरेंज करने, वो मैं मुझे पता है वो आपको आता ही होगा। और यहाँ पे कुछ भी आप लोग ब्रश इफेक्ट एक मैं बता देता हूँ। सो गाइस ऐसा कुछ मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ब्रश पूरा पैक ही है, एक साथ पैक होगा, पैक डिस्क्रिप्शन में, तो वही आप लोग ढूंढ लेना डिस्क्रिप्शन में, यूज़फुल लिंक्स करके होगा उसमें। और यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कर देना है, इसको फिल कर देना है ब्लैक कलर से, और इसके बाद इसको ग्लो इफेक्ट दे देना है जो कि आप लोगों ने दिया था कैरेक्टर को, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले ग्लो नहीं देना है, पहले इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है फिर ग्लो देना है। ऐसा क्यों किया, तो जिसमें ग्लो नहीं था उसको आप लोग ट्रांसफॉर्म करके इस साइड ला के फ्लिप एक्स कर दो, और उसके बाद इसमें ग्लो दे दो अपने कलर का जो उस साइड था। और यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट तो लिख ही सकते हो, मुझे पता है इतना तो आप लोग कर ही लोगे। और ये बन गया हमारा TSG मन जैसा थंबनेल। अभी TSG लेजेंड के थंबनेल पे चलते हैं। सो गाइस उसके बाद आप लोग को ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके सेम प्रोसेस करनी है। और तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, आज से पहले आप लोग ने कभी भी मेरा चैनल नहीं देखा है, तो आपको करना क्या मैं बता दूँ, आप लोग को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जिस तरह आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना है। याद रखना बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट करोगे तभी आप लोग को मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो यही आपको कर देना है, बस इतना ही प्रोसेस करना है। उसके बाद आप लोग को TSG लेजेंड जैसा थंबनेल बनाने के लिए कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये स्क्रीनशॉट आपको आपके गेम से ही कैप्चर करना है, और कैसे कैप्चर करना है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आई बटन पर इसका लिंक दे दूँगा, चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं। और उसके बाद आप लोग को जाना है सिचुएशन पे, सिचुएशन को जो फुल कर देना है। उसके बाद ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट 25, सेम प्रोसेस पिछली बार जैसे कैरेक्टर्स में किया था वैसा इसमें भी कर देना है। और इसके बाद वही सेम प्रोसेस स्ट्रोक वाली, TSG लेजेंड का एक थंबनेल में आप लोग को बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि फ़िलहाल कुछ 5-6 वीडियो पीछे ही बना है, 5-6 वीडियो मतलब वो प्रैंक वाले तो आते ही होंगे सबको, इसलिए उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे इस बार 30 लिया मैंने, और गलत लेयर में गलत काम कर दिया, इस लेयर पे हमको देना था, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ, फिर इसको आप लोगों को ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर लेनी है, उसके ऊपर आप लोगों को ब्लू कलर से फिल कर देना है,
ब्लू कलर से फिल करना है, फिल वाले ऑप्शन पे भी जाना है, भूल मत जाना। और स्क्रीन या फिर लीनियर डॉच करके आप लोगों को ऑपेसिटी कम कर देनी है। और ये देखो आप लोगों को लुक मिल जाएगा जैसा आप लोगों को चाहिए। और उसके बाद आप लोग को कैरेक्टर का इमेज ले लेना है, स्क्रीनशॉट में जो कैरेक्टर था आप लोगों को वही लेना है, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और इसके बाद आप लोगों को इसको ग्लो दे देना है, जिस कलर से आपको बैकग्राउंड रखना है 20, जिस तरह से आप लोग को इलेक्ट्रिक शॉक रखना है वैसे। तो गाइस मैंने इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ेक्ट ले लिया है, और इसके बाद इसको पीछे रख के थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है इसमें, तो बड़ा कर दो। स्नैप यार ऑफ़ कर दो, मैं PSSC बंद करके चालू किया था इसलिए स्नैप ऑफ नहीं था। स्नैप यार याद से ऑफ ही कर देना, कुछ करना या ना करना पहले स्नैप को ऑफ़ करना, ये सबसे ज़रूरी हो गया आजकल। स्नैप एम्प्टी लेयर लो, और एक ग्रेडिएंट लेना है आप लोग को ब्लैक वाला सा कुछ, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा मिलेगा। ओके आप लोग बहुत सारे लोग बोलोगे आपको ऐसा मिल जाएगा, नए नए जो लोग उनको PSSC में ऐसा मिल जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर वाला डॉट है इसको और ऊपर करना है, और इसको थोड़ा सा अंदर लेना है तो बन जाएगा वैसा ही। और यहाँ पे देखो एक अलग सा ही लुक मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को इसको भी थोड़ा ग्लो दे देना है, 20 नहीं पूरा फुल कर देना है, और इंटेंसिटी को 50। उसके बाद चमक के साथ आप लोग को दिखेगा एकदम OP वाला। और इसके बाद टेक्स्ट भी इसमें मैं लिखना बता देता हूँ, पहले वाले में नहीं बताया तो इसमें बता देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे टेक्स्ट नहीं बताया। तो जल्दी जल्दी मैं टेक्स्ट भी लेके आ जाता हूँ। तो टेक्स्ट देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई कौन से वीडियो का थंबनेल बना रहा हूँ मैं, अभी भी नहीं समझे हो तो फिर क्या ही बोले। लेयर सेलेक्शन और क्लियर, फिर यहाँ पे से आप लोग को जितना भी मतलब चाहिए ना अलग हिस्सा कर लेना, ऐसे टेक्स्ट को अलग अलग लेयर में लेने के लिए ऐसे सिलेक्ट करना है, हाथ से करना है ये सब। और प्लस पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, फिर उसके नीचे जो लेयर है उसमें से क्लियर ऐसे कर देना है। और वर्सेस विथ वाले में मैं सिलेक्ट, अदरवाइज आप लोग मेरी तरह भी कलर कर सकते हो जैसा कि मैं अभी सिखा रहा हूँ। इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करो, फिर इसमें ग्रेडिएंट सिंपल सा ये वाला ग्रेडिएंट बना लेना है, ये बहुत ही OP सा है देख लो। HSB ये वाला ग्रेडिएंट कर दो, वाइट में आप लोग को फुल वाइट कर देना है। और यहाँ पे 40% आप लोग को ग्रे करना है, नहीं तो और भी कम कर सकते हो। HSB मैंने दिखा दिया मेरी, आप लोग वैसे ही आप लोग का सेटिंग्स रखोगे तो हो जाएगा। इन्वर्स कर देना है, फिर प्लस एम्प्टी लेयर जाना है, उसके बाद आप लोग को फिल कर देना है विथ वाइट कलर। वाइट कलर से फिल करने के बाद आप लोग को आ जाना है लीनियर डॉच कर देना है, उसके बाद गॉशियन ब्लर पे जाके आप लोगों को 10 का गॉशियन ब्लर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लर इफेक्ट मिल गया, ऐसे ही मैं सारे टेक्स्ट में कर देता हूँ। सो गाइस उसके बाद देख लो मैंने टेक्स्ट को जो है अरेंज कर दिया, और शायद तक से कलर अलग हो तो कोई बात नहीं। ड्रॉप शेडो फिर देनी है 20, और डिस्टेंस को 0, ऐसे ही करके 2 से 3 बार देने से पहले रुको, पहले जो डुप्लीकेट लेयर है बना लेनी है, एक और डुप्लीकेट लेयर। फिर डुप्लीकेट लेयर के नीचे वाले में आप लोगों को ड्रॉप शेडो देनी है, जैसे कि मैंने अभी बताया डुप्लीकेट लेयर मैंने क्यों रखवा अभी बताता हूँ। फिर ड्रॉप शेडो, शायद तक से कलर जो है मैंने अलग कर दिया टेक्स्ट का, याद नहीं मेरे को इतना। और उसके बाद आप लोग को जो डुप्लीकेट लेयर करवाई थी उसका लीनियर डॉच कर देना है, और उसके बाद FX में जाके गॉशियन पर देना है 50 का। देने के बाद चमक आ जाती है टेक्स्ट में, और इसको आप लोग 25 जितना या फिर उससे आगे 50 इतना रखो, चमक आती है थंबनेल पे इसलिए मैंने बता दिया। और इसको भी लीनियर डॉच करके मैं क्वेश्चन भर दे देता हूँ। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, सेव पे दबा देना है। सेव होने के बाद कुछ ऐसा लोडिंग लेगा, देखो थोड़ा सा लैग हुआ, मेरा भी लैग हुआ, आपका भी लैग होगा, रैम कम होगा तो लैग तो होगा ही, सिंपल सी बात है। और इसके बाद आप लोग को सेव टू गैलरी देन JPG में इसको ओके करके सेव कर देना है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।